नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसे गांव के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूं, जहां 6 बजे शाम के बाद जाना मना है, और अगर दिन के समय जाते भी हैं तो समूह बना के, क्योंकि एक खौफ है लोगों के दिलो दिमाग में इस जगह को लेके। और यही सोच करके मद्रास सरकार ने इस जगह का नाम रख दिया था भूतहा गाँव, और यहाँ रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। क्या कारण था कि रातों रात बसा बसाया शहर उजड़ गया, आइए जानते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव या छोटा शहर है, जिसे धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। 1964 तक यह जगह एक उभरते हुए पर्यटन क्षेत्र के रूप में देखी जा रही थी, क्योंकि बालू के टीले पर बना यह गांव भारत का आखिरी छोर माना जाता है। यहां से श्रीलंका मात्र 18 मील की दूरी पर है। श्रीलंका के थलाई मन्नार और धनुषकोडी के बीच यात्रियों और सामान को समुद्र के पार ढोने के लिए कई साप्ताहिक और दैनिक फेरी सेवाएं थी, जिसमें से नौका सेवा का भी प्रयोग लोग किया करते थे, क्योंकि रामायण काल में इसी स्थान से भगवान राम ने लंका के लिए पुल का निर्माण किया था। तो एक तीर्थ स्थल के रूप में भी इस स्थान की मान्यता थी, जहां एक ओर बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री वहां जाते थे, वहीं दूसरी ओर उनकी सुख सुविधा के लिए वहां होटल, कपड़ों की दुकानें व धर्मशालाएं भी कार्यरत थी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता था। धनुषकोडी से मंडपम के लिए एक रेलवे लाइन भी थी। रेलवे अस्पताल, पोस्ट ऑफिस जैसे कुछ सरकारी विभाग भी वहां कार्यरत थे। पर अचानक ऐसा क्या हुआ 1964 में कि इस हंसते खेलते धनुषकोडी के साथ जो आज 6 बजे के बाद वहां जाना भी मना है, आइए जानते हैं। 22 दिसंबर 1964 की रात हम सबकी ही तरह वहां भी लोग सोए होंगे, भविष्य के सपने देखते हुए और दूसरे दिन के लिए किए जाने वाले कार्यों की सूची दिमाग में बनाकर। पर हम इंसान प्रकृति के आगे बेबस हैं दोस्तों। रात्रि में ही 20 फीट की व्यापक लहर यानी कि चक्रवात शहर के पूर्व से यानी कि पाक खाड़ी से शहर पर आक्रमण करते हुए आई और पूरे शहर को रातों रात नष्ट कर दिया। यह सब रात्रि में ही घटित हुआ। तूफान कई मायनों में अनोखा था। यह 17 दिसंबर 1964 को दक्षिणी अंडमान समुद्र से 5 डिग्री उत्तर 93 डिग्री पूर्व में अपने केंद्र के साथ दबाव के निर्माण के साथ प्रारंभ हुआ, और 21 दिसंबर 1964 के बाद 250 से 350 मील प्रति घंटे की दर से इसकी गति लगभग एक सीधी रेखा में पश्चिम की ओर हो गई, जो हैरान कर देने वाली थी। और दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं की गई थी कि भारत के तट से ये चक्रवात टकराएगा, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। 22 दिसंबर को यह श्रीलंका को 150 केटीएस यानी कि 270 किलोमीटर प्रति घंटा की वायु की तीव्रता के साथ पार कर गया। पाक स्ट्रीट को पार करते हुए रात्रि में रामेश्वरम द्वीप के धनुषकोडी से टकरा गया। एक अनुमान के अनुसार जब इसने रामेश्वरम को पार किया तो इसकी 8 गज ऊंची लहरें थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात 22 दिसंबर को 10:55 यानी कि लगभग 11 बजे में धनुषकोडी के रेलवे स्टेशन में प्रवेश के दौरान ट्रेन संख्या 653 जो कि पंबन धनुषकोटी पैसेंजर ट्रेन थी, और ये एक दैनिक नियमित सेवा जो कि पंबन से 110 यात्रियों और 5 रेलवे कर्मचारियों के साथ रवाना हुई। यह एक व्यापक समुद्री लहर की चपेट में तब आई जब यह धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से बस कुछ गज की दूरी पर थी। पूरी की पूरी ट्रेन 115 लोगों की मौत के साथ ये लहरें बहा के ले गई। कुल मिलाकर 1800 से अधिक लोग चक्रवाती तूफान में मारे गए। धनुषकोटी के सभी रिहायशी घर और अन्य संरचनाएं भी तूफान में तबाह हो गए। एक चक्रवात जिसके भारतीय तट पर आने की संभावना भी नहीं थी, पूरे शहर को रातों रात मरघट का रूप दे गया। बसा बसाया शहर उजड़ गया दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं। प्रकृति कब क्या करती है यह सुनियोजित होता है, ये कोई जान नहीं सकता। प्रत्यक्षदर्शी स्मरण करते हुए बताते हैं कि हिलोरे लेता हुआ पानी कैसे केवल रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के ठीक करीब ठहर गया था।
जहाँ सैकड़ों लोग तूफान के कहर से अपने राम के चरणों में शरण लेने पहुंचे थे। इस आपदा के बाद ही मद्रास सरकार ने इस शहर को भूथा शहर के रूप में और रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। केवल कुछ मछुआरे अब वहां रहते हैं। पीड़ितों के लिए एक स्मारक बनाते हुए 22 दिसंबर की उस भयावह घटना को उसमें अंकित किया गया है। आज के परिवेश की अगर बात करें तो भगवान राम से संबंधित वहां कई मंदिर हैं। जो भी दर्शनार्थी वहां जाते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि समूह में जाएं और 6 बजते ही रामेश्वरम की तरफ लौट आए, क्योंकि खंडहर हुआ यह शहर डरावना और सुनसान है और एक तरीके से कब्रगाह या शमशान घाट की तरह प्रतीत होता है। सैकड़ों लोगों को लील जाने वाला शहर, आखिर लोग यहाँ जाने से डरें भी तो क्यों न डरें। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र अब उभर रहा है और सुरक्षा के लिए पुलिस की उपस्थिति भी होती है। चूँकि समुद्र यहाँ छिछला है तो आप बंगाल की खाड़ी में जा सकते हैं और रंगीन मूंगों, मछलियों, समुद्री शैवाल, स्टार मछलियों इत्यादि को देख सकते हैं, वो भी बेहद करीब से। वर्तमान में औसतन करीब 500 तीर्थयात्री प्रतिदिन धनुषकोडी आते हैं। त्योहार और पूर्णिमा के दिनों में यह संख्या हजारों में हो जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के भाई विभीषण के आग्रह पर भगवान श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया था, इस प्रकार इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। एक रेखा में पाई जाने वाली चट्टानों व टापुओं की श्रृंखला प्राचीन सेतु के ध्वंसावशेष के रूप में दिखाई देती है, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी धनुषकोडी से लेकर के। इसमें बहुत से भौतिक शास्त्रियों ने अपने शोध भी किए हैं और आज तक इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए कि आखिर जो दूर दूर तक संभावना नहीं थी वो तूफान धनुषकोडी पे कैसे पहुंचा और क्या कारण था। आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।